इसे कैसे बात करेंगे? हमें इनकार तो करना ही, और कोई विकल्प भी नहीं है। मुझे इनसे आगे जाना होगा। मोंटू, मोंटू, मोंटू संभाल, मोंटू रुको, मैंने कहा ना संभाल के, जल्दबाजी मत कर, आराम से, मुझे सोचने दो। मोंटो, मैंने गिनती कर ली, ये विशाल कुलाड़ी हर चार पल बाद फिर से नीचे गिरती है। हमें इन्हीं चार पलों उस पार जाना होगा। इंतजार किस बात का बालवीर जी, चलो। मोंटो रुको, हमें ये नहीं पता कौन सी कुलाड़ी किस समय पर नीचे गिरे, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम दोनों करो। लेकिन कोई भी कहीं पर भी नहीं रुकेगा और कोई भी ऊपर नहीं देखेगा, ठीक है? ठीक है, चलो। चलो बचो, चलो जल्दी। मेहर, मोंटू, तुम दोनों आगे जाओ। ठीक है, चल। मोंटू, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर मत देखना। सॉरी बालवीर जी। चलो अब उठो। भयंकर परी, तुम बुराई की जीत का समय आ गया है। सिंह, कैसा लगा? केवल, मुझे लगता है ये प्लान काम करेगा। ये प्लान काम करे या ना करे, लेकिन हमें पोस्टर्स तो चिपकाने ही पड़ेंगे। क्यों? अरे बॉस को जो ढूंढना है। अरे केवल, तू क्यों वापस से मार खाना चाहता है? अरे मार के साथ साथ कुछ और भी खाना चाहता हूँ। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब तो हमें बॉस ही खिलाएंगे ना। हाँ यार, चल चल। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। तो क्या कर रहे हो तुम लोग? आपने इनको देखा है? हाँ। हो रहा? अरे अब जाओ, जाओ जाओ। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय। सारे पोस्टर तो लग गए। हाँ, अब जल्दी से मोंटू बॉस मिल जाए, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ, चल चल चल। बस हमें आखिरी विराट कुल्हाड़ी को पार करना है। हाँ, जैसे मैं कहूँ भागो तो भागो। ठीक है, एक, दो, तीन, भागो। मेहर, मोंटू,
मैं उठो, मैं भागो जल्दी। नहीं बालवीर, मैं उठ नहीं पाऊंगी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। भयंकर परी, वीजा परी, वीजा परी, भयंकर परी बालवीर के शरीर को अपने साथ ले गए। उठे वीजा परी, इससे पहले कि मोंटू उस पंख तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचकर उसे हासिल करना होगा। चलो मैं। मेहर, मेहर जल्दी चलो। नहीं नहीं बालवीर, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा। बालवीर होगा, तुमसे ये होगा। मैं चलो मेरे पास भी बालवीर जैसे पावर है। केवल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह ढूंढ लिया मोंटू बॉस को, पर मोंटू बॉस कहीं मिल ही नहीं रहा है। लगता है मोंटू बॉस को हमसे भी बुरे चेले मिल गए, इसने वो हमें छोड़कर चले गए। चले गए मोंटू बॉस। ए भाई, ए भाई, किसी ने देखा है हमारे मोंटू बॉस को? केवल अब हमारा क्या होगा? कितने कितने बुरे थे हमारे मोंटू बॉस। अरे दिन भर खुद खाते रहते थे और बचा कुचा हमें खिलाते रहते थे। केवल दिन भर हमें मारते रहते थे। अरे ऐसे ही तो मारते थे मोंटू बॉस, मतलब अब ऐसे हमें कौन मारेगा? केवल शांत हो जा रोहित, शांत हो जा। अब हमारे पास मोंटू बॉस नहीं रहे तो क्या हुआ? लेकिन उनकी याद तो है, हम कुछ करेंगे, जरूर कुछ करेंगे। क्या? हम उनका पुतला बनाएंगे। ग्रेट आइडिया। केवल नाराज परी, विचार परी, उठिए नाराज परी, विचार परी, विचार परी। आर पार परी, क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो है ना? नहीं रानी परी, लगता है इन पे बहुत ही बुरे जादू का प्रयोग किया गया है, और इन्हें ठीक करने के लिए हमें इन्हें परी औषध पिलाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप इन्हें तुरंत परीलोक लेकर जाइए और इनकी चिकित्सा कीजिए। जी रानी परी। रानी परी, रानी परी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। भटकाती परी, क्या हुआ? मेहर से पहले मोंटू ने छल कपट से वो पंख प्राप्त कर लिए। क्या परियों? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मोंटू परियों के पंख प्राप्त करने के योग्य बिल्कुल नहीं। और रानी परी, बालवीर का प्रतिरूप भी पंख लोक में है।
भयंकर परी बालवीर के शरीर को अपने साथ ले गई है। इससे बालवीर पर खतरा और बढ़ गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा रानी परी। परियो चलिए हमारे साथ। लगता है पंखलो फिर से अपने मूल स्वरूप में आ रहा है। बालवीर, अब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बल्कि मेरे पास तुमसे ज्यादा पावर्स है। अब तुम दोनों देखना, मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी का कमाल। मॉन्टू इन पंखों के कारण सच में शक्तिशाली बन गया है। अब भयंकर परी के इशारे पर कुछ भी कर सकता है। मुझे उसे रोकना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने मूल शरीर को ग्रहण करना होगा। बालवीर महर, मैं जा रहा हूं भयानक लोग भयंकर परी के पास। नहीं मोंटू। गुड बाय। मोंटू रुको। चलो भाई। मोंटू मिला? नहीं, मोंटू बॉस नहीं मिले, इसलिए उनका पुतला बना रहा हूँ। बहुत मिस कर रहे ना उन्हें हम। हाँ। हम मतलब मैं और केवल। अरे वो केवल गया हुआ है मोंटू बॉस के घर पे, उनका पैंट और टी शर्ट ले। अरे मोंटू के साथ साथ तो उसके थप्पड़ को भी मिस कर रहा होगा, इसीलिए। अरे मोंटू बॉस के थप्पड़ के साथ साथ हम उनका पिज़्ज़ा बर्गर भी मिस कर रहे हैं। चल खिलाओ मुझे पिज़्ज़ा बर्गर, खिलाओ मुझे। अब क्यों मारा? वो बर्गर पिज़्ज़ा की जगह तो मोंटू तुम्हें पंच खिलाता ना, इसीलिए। और खिलाओ। हां और खिलाओ। आ, 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 वैसे भी मेरी भावनाएं कोई नहीं समझता। अब ये सब छोड़ो और ये सोचो कि हम मेहर और बल्लू को कैसे ढूंढेंगे। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए। उसका भी आइडिया है। ये देखो दोस्तों, इन्हें मेहर और बल्लू को ढूंढने के लिए इनका पोस्टर बनाया है। लेकिन कुकी, इसमें मेहर और बल्लू की फोटो कहाँ है? अरे दोस्तों, हमें यही दिखाना है ना कि मेहर और बल्लू दोनों गायब हो गए हैं, इससे दोनों ने पोस्टर में भी गायब रखा है। और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मेरे पापा जी कहते हैं इंटेलिजेंसी पे मैं बिल्कुल उन पर गया। चलो नहीं वानी फुकी, चलो हम महरस बल्लू को कहीं और चलकर ढूंढते हैं। भयंकर परी, देखा मैंने पंख हासिल कर लिए और अब मैं उड़ भी सकता हूँ। क्या बात है, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे यानी कि बुराई का साथ देने के लायक हो। बालवीर जी,
बालवीर जी यहाँ, बालवीर जी मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया इन्होंने किया, ये सब इन्होंने मुझसे जबरदस्ती कराया। मोंटू डरो मत, ये बालवीर का शरीर है और तुमने जो पंखलोक में देखा वो इसी शरीर का प्रतिरूप था। है वो तो ठीक परी भयंकर, लेकिन अब है जो करना वो कीजिए जल्दी से इस बालवीर के शरीर का, वरना कहीं आ गया बालवीर का प्रतिरूप और समा गया उसके शरीर में तो कट जाएगी आपकी नाक एक बार फिर से। नहीं, इस बार विजय मेरी ही हुई है, समझे? समझे। और इस बार बालवीर के इस शरीर को पत्थर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। भयंकर परी, ये बुरा काम करने का मौका आप माउंटी द ग्रेटेस्ट लखानी को दीजिए, एक बार मेरे जादू का जलवा तो देखिए। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा पृथ्वी लोग नहीं है, ये जो मन में आया वो उठा के कर दिया। लेकिन हुआ क्या भयंकर परी? एक बात कान खोल कर सुन लो और समझ लो, पंख लोक के कुछ नियम है, पंख प्राप्त करने वाले विजेता उम्मीदवार को 2 घंटे तक कोई भी बुरा काम करना मना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे सारे पंख नष्ट हो जाएंगे, समझे? समझ गया। और इससे पहले कि तुम कोई दूसरी गलती करो, मुझे बालवीर के शरीर को पत्थर में बदल देना चाहिए। आओ रानी परी, आओ। अच्छाई और सच्चाई के इस प्रतीक को पत्थर में बदलते हुए तुम भी देख लो। नहीं भयंकर परी, जब तक हम यहाँ हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओहो, फिर तो बालवीर के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करना पड़ेगा रानी परी। भयंकर परी, परियों, बालवीर के प्रतिरूप को तुम भले ही ले आए, लेकिन तुम्हारा इरादा कभी सफल नहीं होगा। बालवीर, आप हमारी चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को हम सब संभाल लेंगे, लेकिन पहला मौका मिलते ही आप अपने शरीर में प्रवेश कर लेना। ठीक है माँ। जाइए संभालिए। We'll be right back.
बालवीर जी उनके शरीर में आ गए, लगता है मुझे भी भागना चाहिए। बालवीर, परियों, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गई। शायद मैं परी बनने के लायक ही नहीं थी। मेहर, मेहर पंख मिलने से कोई परी नहीं बनता। परी तो वो बनता है जिसका दिल अच्छा होता है, मन साफ होता है। और मेहर, आप में वो सारे गुण। लेकिन मोंटू को तो बेईमानी से पंख मिल गए ना। मेहर, चाहे मोंटू ने पंख ले लिए हो, लेकिन हमारे पास अभी भी समय है। बालवीर, अगले 2 घंटों में आपको वो करना होगा जो आज तक आपने कभी नहीं किया। आपको मोंटू को मजबूर करना होगा कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कार्य करने के लिए करे, ताकि ऐसा करने से उसके पंख उससे छिन जाए। लेकिन रानी परी, ये तो सच्चाई और अच्छाई के विरुद्ध है। बालवीर, कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें बुराई का सामना बुराई से ही करना होता है। मैं समझ गया माँ। ठीक है रानी परी, मैं बुराई की इस जीत को सच्चाई और अच्छाई की जीत पे बदल दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए रानी परी। हमारी आज्ञा है बालवीर, जाइए। चलो मैं। मेहर, कहाँ चली गई है तू? मुझे बहुत याद आ रही है तेरी मेहर। अच्छा, मैं कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है घर में सब कितने परेशान हो गए थे? मम्मी, पापा, दादा, दादी, रॉकी, चाचू, शुभांगी आंटी, सब बहुत परेशान हो गए थे मैं। तो ये तो बता, तू गई कहाँ थी? मैं बताता। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अपने पावर्स के साथ लौट आया। अब मजा आएगा उन पिटियों की बैंड बजाने का। अरे मोंटू, भूल गया क्या? अगले 2 घंटे तक तुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, ना ही बुरा सोचना है। ओ महान गेंडे, ओ दो पैरों वाले हाजी, बेवकूफों के सरदार, आप जहाँ कहीं भी हो हमेशा हमेशा के लिए दुखी रहो। No, 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 no. Be a good boy. Be a good boy, Montu. और इसीलिए हमें मोंटू को इतना गुस्सा दिलाना होगा कि वो कोई बुरा काम कर बैठे, समझ गए? लेकिन बालवीर, तो मोंटू 2 घंटे के लिए अच्छा बच्चा बन रहा है। 2 घंटे के लिए शांति तो मिलेगी ना, मुझे क्यों छेड़ रहा है पुकी? सॉरी, अरे पुकी समझ रहा, अगर मोंटू 2 घंटे में कोई बुरा काम करेगा तो ही उसके पंख बेकार होंगे। हाँ, डोंट वरी बालवीर, मोंटू तो है ही बुरा, उसको बुरा काम करने के लिए उकसाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपना डाटा फिश कर देगा। हाँ। नहीं बच्चों, ये कार्य जितना सरल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि मोंटू को भी पता है कि अगर उसने 2 घंटे में कोई बुरा काम किया तो वो पंख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। वो ये गलती कभी नहीं करेगा। अब हमें ही कुछ करना होगा। अरे मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम? तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। चिंता? मोंटू बॉस, आपके चिंता में हमारा रो रो का हमारा बुरा हाल हो गया मोंटू बॉस। हाँ बॉस, देखो हमने आपकी याद में आपका पुतला भी बना दिया। ये पुतला? देखा, मैंने कहा था ना ये पुतला पतला है। अब तू ही बोल कि इसकी शक्ति शादी कैसे दिखती है। नहीं ना, तो केवल कंट्रोल मोंटू,
कंट्रोल। अच्छा है, बहुत अच्छा है पुतला, बहुत अच्छा है। तुम दोनों भी बहुत अच्छे हो, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ये सारा जग ये भी बहुत अच्छा है। ओ मंटू बॉस, ये क्या अच्छा का रट लगा के रखा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बॉस, ये अच्छे शब्द आपको शोभा नहीं देता। हाँ बॉस, उठो पूरे बनो और चलो उन पिद्दियों की बैंड बजाते हैं। उन बिचारों को पिद्दी मत कह, उन्हें अच्छे बच्चे बोलते हैं, अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। बालवीर देखो, मोंटू को अच्छा बच्चा बनने में कितनी तकलीफ हो रही है। हाँ, उसको बड़ा शौक है ना बॉस बनने का, उसे दिखा दो कि बॉस होता क्या है। मोटे हाथी गेंडे बेवकूफ इडियट, तू समझता क्या अपने को? अरे रोहित भैया, वो हमारे मोंटू बॉस है। अरे है तो क्या, हाँ तू क्या नए चेले ढूंढने चले जाएगा तो हमें छोड़ देगा? हाँ इसका चेहरा बनने के लिए हमने कितनी मार खाई है पता है तुझे? आज तो तू गया। कंट्रोल मोंटू, कंट्रोल। लगता है मोंटू इन दोनों को पीट देगा मेरी तरह। चल उठ और मेरी माफी मांग, उठा बैठक निकाल उठ। मोंटू तक लेके लखानी से उठक बैठक निकालेगा? अच्छा अब समझ में आया, बालवीर ने रोहित पर जादू किया है मुझे उकसाने के लिए ना, लेकिन मैं भी पक्का खिलाड़ी हूँ, 2 घंटे ही संभालना है मुझे, संभाल लूंगा। अरे रोहित, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे दिलदार, अरे आई एम सॉरी, मैं उठक बैठक नहीं खाता। 1 2 और सुना, आज से तू हमारा बॉस है। बॉस? हाँ। पहली बार एक हाथी को एक चूहे को बॉस बोलते हैं, देख रहा हूँ मजा आ गया यार। इनका तो कुछ ना मुश्किल है, ईयरफोन्स पहन लेता हूँ, इनकी बात ही ना सुननी पड़े, सुनूंगा तो गुस्से में आकर कुछ बुरा कर दूंगा और मेरे पंग गवा दूंगा। बस सिर्फ 1.5 घंटे का सवाल है, बाद में देख लूंगा इनको और बालवीर को भी। चल रहे गेंडे, गेंडा गई का। मोंटू ने तो ईयरफोन्स पहन रखे, अब हम उसे उकसा भी नहीं सकते, अब हम क्या करें? चिंता मत कर, हमें कुछ तो करना ही होगा। बस अभी 1/2 घंटा बाकी है, ये बात ये पंख हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। लगे रहो मोंटू, लगे रहो। चल, चल। भूल गया कि मैं वो आसू, तेरे आने के खुशी में पार्टी वार्टी देगा या नहीं? गेंडे, पार्टी वार्टी देगा या नहीं?
देखा, हाँ बोल रहा है, मुझसे डर गया यार। हाँ तो केवल तेरे लिए 6 बर्गर, क्यों चलेगा ना? पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, करने दो, हाँ बोल देता हूँ। चलेगा चलेगा, 3, 5 पिज्जा, चलेगा चलेगा चलेगा, तू पैसा तो देगा ना? चल केवल। बालवीर, अब तो मुझे नहीं लगता कि मोंटू कोई बुरा काम करेगा, और अभी तो वक्त भी बहुत कम बचा है, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बालवीर, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। आपको पता है आप कैसे दिखते हैं? ये देखिए बंदर। मानव के बच्चे, मुझे पता नहीं था कि तू इतना अच्छा आर्टिस्ट है, कितने प्यारे प्यारे पोस्टर्स बनाए तूने, है ना? पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा आइडिया लगाना। अब जा, एक मिनट, तूने जो इतने प्यारे प्यारे लवली पोस्टर्स बनाए ना, उन्हें लेके तो जा। और एक बात सुन, अगर मैं अपने कान बंद कर सकता हूँ ना, तो मैं अपनी आंखें भी बंद कर सकता हूँ, है ना? गुड बाय। मानो के बच्चे, भड़का दे मुझे और भड़का। अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, 2 घंटे पूरे होने में, 5 मिनट के बाद तुझे देख लूंगा। बालवीर, मोंटू तो साधु की तरह समाधि लेकर बैठ गया, अब क्या करें इसका? मैं कुछ करता हूँ।
मोंटू मोंटू, तुम चाहे जितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन ये बंक तुम्हारे कभी नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जिससे तुम्हें इतना गुस्सा आएगा कि तुम कोई बुरा काम करोगे। मोंटू द ग्रेटेस्ट पावरफुल लखानी से हाँ बहुत मजाक उड़ा रहे थे ना मेरा। अब देखना मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूं। बालवीर, मुझे पता है इन विद्यों को तुमने ही बोला है मुझे उकसाने के लिए। इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, और अगर तुम में हिम्मत है ना तो आओ लड़ो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से। बालवीर बालवीर, हिम्मत है तो ऊपर आओ और लड़ो मेरे साथ। इस द्वंद्व युद्ध में तो मोंटू बालवीर पे भारी पड़ रहा है। अगर उसने बालवीर को चोट पहुंचाई तो? पैरी परी, डरने की कोई बात नहीं है। बालवीर जानबूझकर मोंटू के प्रहार अपने आप पर झेल रहे हैं ताकि मोंटू के पंख उनसे छिन जाए। बस अब कुछ ही पल बाकी है 2 घंटे पूरे होने में। We'll be right back.
बालवीर, मैं तो मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी को पकड़ के दिखाओ। रुको मॉन्टू, बालवीर अपना कार्य बहुत कुशलता से कर रहे हैं। अब मोंटू के पंख छिनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बालवीर, अब बालवीर कुछ करो, मैं नीचे गिरा हूँ। बालवीर, बालवीर, बालवीर बचाओ, बालवीर मैं नीचे गिरा हूँ। बालवीर, मोंटू। बालवीर जी, ये मोंटू किधर भाग रहे हैं? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। ये क्या किया तुमने? दो घंटे भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए तुम। अरे होता अगर मैं मोंटू की जगह पर तो रखता अवश्य नियंत्रण अपने आप पर, लेकिन चुना आपने तो गलत उम्मीदवार, तो भुगतो। अब करके मोंटू को ठीक आएगा बालवीर आपके पीछे, और आपको पड़ेगा भागना तुम दबाकर हमेशा की तरह। बेवकूफ कहीं का, मेरी सारी योजना और मेहनत पर इस बेवकूफ मन ने पानी फेर दिया। शाबाश बाली, शाबाश, आज आपने पंखों को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। लेकिन रानी परी, पंख तो नष्ट हो गए ना, और अगले 55 साल तक दूसरे पंख नहीं बनेंगे। हमने ये सुनहरा अवसर खो दिया फिर से। नहीं विचार परी, हमेशा याद रखिएगा, जब हम कुछ खोते हैं तभी कुछ पाते हैं। और आज आज हमने ये सीख पाई है कि जो चीज जिसके लिए बनी होती है उसी के पास रहनी चाहिए। पंख परियों के लिए बने होते हैं तो वो सिर्फ परियों के पास ही रहने चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा रानी परी। और बालवीर, आज एक बार फिर से आपकी वजह से सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई है। हाँ बालवीर, हाँ बालवीर। चलिए परियों, अब हम चलते हैं। रानी परी, एक कार्य बाकी रह गया है। वो क्या है बालवीर? हमें बच्चों की याद मिटानी। हाँ, हाँ। पारी। तो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 2 दिन में हमारे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट का इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें सारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो बताओ, हमारे स्कूल में से कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? ये जा, एक ही स्टूडेंट। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, प्रिंसिपल सर ने डिक्लेयर किया है कि इस कंपटीशन में जो भी फर्स्ट आएगा उसे
एग्जाम में बैठना नहीं पड़ेगा, उसे ऐसे ही पास कर दिया जाएगा और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट भी कर दिया जाएगा। अरे वाह! रोहित केवल, नहीं बस ये हमारे बस की बात नहीं, तुम्हारे बस की नहीं, मेरे बस की है। अब सुनो, मैं साइंस प्रोजेक्ट इसमें पार्ट लूंगा और फिर मुझे एग्जाम नहीं देने पड़ेगी, मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा। चुप करो। अरे मोंटू बस, ये साइंस प्रोजेक्ट है, इसमें अक्कल लगानी पड़ती जो आपके पास है नहीं। लेकिन बहन, हम तो अच्छे नंबर से पास हो गए, फिर हमें इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? माना, मैं एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, मैं स्कूल का नाम ऊंचा करने के लिए हिस्सा ले रही हूं। शांति शांति। प्रेजेंट सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? वेरी गुड। मेहर, तुम कौन सा प्रोजेक्ट बनाओगी? सर, मैं सोलर एनर्जी पर प्रोजेक्ट बनाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड। और मोंटू, तुम क्या करोगे? सर, मैं ऐसी विंडमिल बनाऊंगा जो बिजली जनरेट करेगी। हंसना नहीं, हंसना नहीं, मोंटू का उत्साह कमजोर हो जाएगा। वेरी बैड मोंटू, विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक बात बता दूं मैं आप सबको, आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही दिन का समय है अपना अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ओके? तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल द बेस्ट मेहर। मुझे पता है ये कंपटीशन तो ये जीतेगी। ऑल द बेस्ट। अगर तुझे हमारी कोई भी हेल्प चाहिए ना तो हमें बताना, हम जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट मेहर। थैंक यू। पुकी, तू मुंह लटका कर क्यों बोल रहा है? अरे मेहर, मैं क्या करूं, मेरा हाथ। फाइनल एग्जाम तो छोड़ ही दे, तो ये मिडटर्म के लिए भी एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा और उसी की वजह से मैं फेल हो जाऊंगा और मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। नहीं पुकी, ऐसा नहीं होगा। कैसे? मुझे अपना हाथ देगी? पुकी, तू भी ना सुन, मैं सर से कह दूंगी कि इस साइंस कंपटीशन में मैं नहीं तू हिस्सा ले रहा है, नाम तेरा होगा लेकिन प्रोजेक्ट हम सब मिलकर बनाएंगे। हाँ हाँ, और फिर तू सीधा नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएगा, है ना? कि मैं कितनी एक्साइटेड थी इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। हाँ, एक्साइटेड तो थी, बहुत थी, लेकिन अगर तू फेल हो गया तो अगले स्टैंडर्ड में तू हमारे साथ नहीं होगा, फिर स्टुपिड जोक्स और पीजे सुनाकर हमें बोर कौन करेगा? ये देखो, ये एक दूसरे के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अरे कापा, ये तिद्दी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जीत तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की होगी। बट वही लटखट परी ने किया है नया आविष्कार, चलो देखते हैं। अच्छा हाँ, चलो 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 चलो।
परियों, आप सब तो जानती ही हैं कि अच्छे और सच्चे बच्चों को हम सब परियां तोहफे देती रहती हैं। और इसलिए उन्हें देने के लिए इस बार मैंने ये विशेष कलम बनाई है। अरे वाह, लेकिन नटखट परी, इसकी विशेषताएं क्या है? अभी बताती हूँ बाल परी। ये देखिए, इस कलम की विशेषता ये है कि इससे जितना भी लिखा जाए ये कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, वाह, सुंदर। और ये देखिए बालपरी, इस कलम की विशेषता ये है कि इसकी लिखावट केवल नीली रोशनी में ही दिखाई देती है। अब ये सारी कलम हम सच्चे और अच्छे बच्चों को देंगे। नटखटपरी, इस आखिरी कलम के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। ये? हाँ? आर पार परी, ये बहुत ही विशेष कलम है। इसका नाम है इच्छा पूर्ति कलम। इससे जो कुछ भी लिखा जाए ना, वो सच हो जाता है। इच्छा पूर्ति कलम? तो इस कलम को तो हम बच्चों को जरूर देंगे। नहीं नहीं नाराज परी, अगर हमने ऐसा किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। न जाने बच्चे क्या क्या मांग ले। हाँ, ये भी। ये कलम तो मैंने सिर्फ हम परियों के लिए बनाई है। अरे वाह नटखट परी, वाह, दिखाइए जरा हमें भी इसका कोई जादू लिखकर, और कीजिए मेरी भी इच्छा पूरी। जैसे होना चाहता हूँ मैं लंबा। अच्छा डुबा डुबा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं। हाँ, डुबा डुबा बड़ा हो जाए। अरे हूँ मैं जैसा हूँ मैं, ठीक। अरे कीजिए कुछ, बना दीजिए मुझे फिर से छोटा। हाँ हाँ डुबा डुबा एक अभी करती हूँ। डुबा डुबा एक छोटा हो जाए। बना दिया मुझे इतना छोटा कि उड़ जाऊंगा मैं हवा के झोंके से। लेकिन नटखट परी, इसके जादू का असर खत्म करना हो तो क्या करना होगा? बहुत सरल है आर पार परी, इसका असर खत्म करने के लिए इसकी लिखावट को काटना होगा, ऐसे। नटखट परी, ये आविष्कार तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन हमें इस कलम से बहुत ही समझदारी से और सावधानी से शब्द लिखने होंगे, बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ बालपरी, ये बात तो है। आइए सर आइए, मोंटू द ग्रेट लखानी ने अपना विंडमिल वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। क्या बात है मोंटू, इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया? अरे तुम्हारे पास तो दो दिन का टाइम था। वो क्या है ना सर, मोंटू द ग्रेट लखानी टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता। वो देखिए, ये किस टाइप की विंडमिल है? सर ये विंडमिल नहीं है, मोंटू का दिमाग खराब हो गया ना, वो है। ए पुक्की, तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के प्रोजेक्ट का मजाक उड़ा रहा है? नहीं, मजाक तो तू खुद का उड़ा रहा है। तुझे पता भी है विंडमिल घूमती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाँ। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी घूमती है। ए घुमाओ ले। मोंटू विंडमिल का खाली फैन घूमता है। ओ सॉरी सर, फैन घुमाओ फैन घुमाओ। सर देखा, अभी तो पंखा भी घूम रहा है। सर अभी आप मुझे एग्जाम में पास कर दोगे ना? अरे पास नहीं, फेल है तुम्हारा ये विंडमिल।
और अगर तुम चाहते हो कि तुम पास हो जाओ तो सही प्रोजेक्ट बनाओ, समझे? सर, 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 सुनिए सर। ये क्या हो रहा है नारद परी? भूकंप कैसे झटके? परिलोक में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा वो कह रहे होंगे आपको? बॉस, आपकी तो इज्जत विंडमिल के विंड की तरह उड़ गई। हाँ बॉस, कैसा वाहियात प्रोजेक्ट बनाया था आपने। सी? मैं पूछता हूँ, क्यों बनाया था ऐसा प्रोजेक्ट? हाँ क्यों? अरे बॉस, अगर आपकी अक्कल नहीं लगी तो हमसे थोड़ी मांग लेते उधार में। मांग लेता? हाँ, पर तुम्हारे पास भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, वो तो सही है। Nonsense. तो बहुत थोड़े हो गए ना तुम। बॉस, वैसे मजा तो बहुत आया। और आपके हंस रहे थे ना। ए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। बोलो, तुमने सबके सब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखन को मोंटू द स्टूपिडेस्ट लखन ही बना दिया। क्यों क्यों क्यों? आपको इसका जवाब देना ही होगा। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करो। प्लीज प्लीज मुझे एग्जाम में पास करा दो भगवान। रानी परी, ये अचानक परिलोक में क्या हो रहा है? ये भूकंप के झटके क्यों लग रहे हैं? ये किसी भूकंप का संकेत नहीं, असल में परिलोक का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ गया। तो अब हम क्या करेंगे रानी परी? आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सुरक्षा परियों ने सुरक्षा कवच को फिर से बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है। लेकिन लेकिन क्या रानी परी? लेकिन परियों, इस कार्य में 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन? इसका मतलब ये रानी परी कि 2 दिन तक परीलोक की सुरक्षा को खतरा है। ऐसे में तो कोई भी बुरी शक्ति परीलोक पर आक्रमण कर सकती है। और भयंकर परी तो ऐसे ही अफसर की ताक में रहती है। परियो, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन इस समय हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। परियो, घबराइए नहीं रानी परी, परीलोक की सुरक्षा तो हम देंगे ही, लेकिन इससे भी एक बड़ा ठोस उपाय हमें सूझ रहा है। वो क्या है बालपरी? भविष्य दर्शन यंत्र। भविष्य दर्शन यंत्र? रानी परी, वो यंत्र हमें हमारा भविष्य दिखाता है और उसका आविष्कार विज्ञान परी ने किया था, हमारे पूर्वज रानी परी के कहने पर। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, आपके आदेश के अनुसार हमने भविष्य दर्शन यंत्र बना लिया है। और अब उस यंत्र को देखकर हम ये जान सकते हैं कि भविष्य में हम पर और परीलोक में क्या खतरा आने वाला है, और समय आते हम उसे रोक भी सकते हैं। तो बताइए रानी परी, इसका उपयोग कब करना है? विज्ञान परी, उचित समय आने पर हम आपको बता देंगे।
लेकिन तब तक वो यंत्र आप अपने पास संभाल के रखिएगा। जी बालपरी। और उस यंत्र का इस्तेमाल तब से लेके आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन परियों, हमें लगता है कि इस यंत्र के उपयोग का समय अब आ गया। इस भविष्य दर्शन यंत्र के उपयोग से हम भयंकर परी की हर बुरी चाल को पहले ही देख पाएंगे और हर होने वाले विनाश को भी रोक पाएंगे। हाँ रानी परी। जी रानी परी। लेकिन ये यंत्र है कहाँ रानी परी? हाँ, विज्ञान परी की प्रयोगशाला में। चलिए परी, हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। जी रानी, रानी परी। मैं छोड़ दे इसे। तू छोड़ दे। हाँ। पहले मैंने पकड़ा। मैं छोड़। तू इसे छोड़ दे मोंटू, ये जिसकी होगी मैं उसे वापस लौटा दूंगी। देख मैं, एक बार जो चीज मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के हाथ में लग जाती है ना, वो उसे कभी वापस नहीं करता। देख, चुपचाप दे दे वरना तुम पिग्गियों की बैंड बजा दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? रोहित केवल पकड़ो। बेवकूफ, मुझे नहीं, मैं को पकड़ो। तुम सब विद्यों के बैंड बजाऊंगा, तुम सब के बैंड बजाऊंगा। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो विज्ञान परी, खुश रहो। तो बताइए रानी परी, यहाँ आने का कोई विशेष कारण? विज्ञान परी, दरअसल हमें आपके भविष्य दर्शन यंत्र की जरूरत है। भविष्य दर्शन यंत्र? वो तो परिलोक की सहायता के लिए है। तो फिर वो यंत्र हमें दिखाइए ना विज्ञान परी। ठीक है नटखट परी, अभी दिखाते। जे रानी परी, ये रहा आपका भविष्य दर्शन यंत्र। हमें आशा है कि ये यंत्र परिलोक पे आने वाले हर एक संकट के बारे में आपको सही जानकारियां देगा और उसका सामना करने में आपकी सहायता भी करेगा। शुक्रिया विज्ञान परी, शुक्रिया। अब खींचो मुझे, उठाओ यहाँ से। आपका इतना वजन है कि आपको खींचते खींचते हमारा पसीना छूटेगा। तो खींचने दो, उठाओ मुझे यहाँ से। देखो बाद में मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर खिलाऊंगा। जोर लगा के आयशा। अगर ये पेंसिल मोंटू को मिल जाती तो ये जिसकी है उसे ही कभी नहीं मिलती। सारा ना उस मोंटू को कि पीट पीट के उसका कचंबर बना दूं। लेकिन बालवीर कहता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है।
तो मैं क्या करूं? सो तो बहुत आ रहा हूं मुझे। हाँ, पापा हमेशा कहते हैं कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। आइडिया, मोंटू की चटनी कैसे बनानी है वो सब मैं कागज में लिखती हूँ, उससे मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मोंटू बस एक बार यहाँ आ जाए। मोंटू के मुंह पे टेप लग जाए और उसके हाथ पैर रस्सी से बंध जाए। इतना काफी नहीं। वो लड़कियों पे बहुत रौब झाड़ता है ना, अभी दिखाती हूँ। वो लड़की जैसा दिखने लगे और उसके कपड़े भी लड़की जैसे हो जाए। हर्ष, सारी भड़ास निकल गई, मजा आ गया आज तो। बस आज के लिए इतना काफी है ना? मोंटू जहाँ से आया था वहाँ वापस चले जाए। तू कौन है रे मोटी? क्या हूँ? खोलने को बोल रही है। मैं मोटी नहीं, मोंटू। मोंटू। मोंटू बॉस, ये क्या किया आपने? अब गेंडे से गेंडी में कैसे बदल गए? सॉरी बॉस। मतलब अब लड़के से लड़की कैसे बन गए? ये सब मेहर की बच्ची ने किया है। मेहर ने? मैं यहाँ से अचानक गायब हो गया और मेहर के घर पहुँच गया, और वो जो बोल रही थी वो सब होते क्या? होते क्या? अब देखो, तुम्हें पता है जादूगरनी है जादूगरनी, उसने मुझे लड़की बना दिया। अरे बॉस, आपको बर्गर नहीं खिलाना मत खिलाओ, पर हमें उल्लू मत बनाओ। हाँ बॉस, हमारे ऊपर का मतलब थोड़ा खाली है, पूरा नहीं। आपकी फालतू जादू स्टोरी पे बिलीव कर ले हम। बेवकूफो, मैं सच बोल रहा हूँ सच। तो ठीक है, आप सच बोलते रहो, इस गार्डन को, इस पेड़ को, इस पौधे को, पर हमें माफ करो। बस हम जा रहे हैं, हमें हमारा साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। बाय बाय केवल, गुड बाय। रोहित रुको, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? ये भविष्य दर्शन यंत्र भी हमारे पास आ गया है। रानी परी, क्या अब हम इस यंत्र में परीक्षण कर सकते हैं? हाँ, वो तो करना ही होगा ना। ये यंत्र इतने सालों से बंद पड़ा है और आज उसका उपयोग करना है, तो उसका परीक्षण करना तो बहुत जरूरी है। हाँ परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम अभी करते हैं। हे भविष्य दर्शन यंत्र, अगर आने वाले कुछ पलों में परिलोक पर कोई खतरा आने वाला है तो हमें उसका दृश्य दिखाए। पता नहीं। डुबा डुबा,
प्यारी परी, डूबा डूबा एक अभी गिरा नहीं है, लेकिन कुछ पलों के पश्चात डूबा डूबा एक गिरने वाला है, जिसका दृश्य हमें इस यंत्र ने पहले ही दिखा दिया है। गाल परी, आप तुरंत जाइए और डूबा डूबा एक को बचाने की कोशिश कीजिए। जी रानी परी। वाह, है क्या चीज बनाई है इंसान ने, हिम क्रीम है। इसका स्वाद ऐसा कि बढ़ता ही नहीं मेरा दिन, होता है मन की बल, खाता ही रहूं। रानी परी, सच में ये यंत्र विज्ञान परी का लाजवाब आविष्कार है। हाँ परी, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये आविष्कार हमें भयंकर परी की बुरी चालों के बारे में पहले ही बता देगा, इसलिए आप सब चिंता मत कीजिए।